हाँ तो दोस्तों, बजाज फिनसर्व के Q3 के नंबर आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको बजाज फिनसर्व के ना इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो 2% से यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स कम हुए हैं और ये नंबर आया है 17,586 करोड़ पे। तो रेवेन्यू के नंबर्स यहाँ पे थोड़े से कम हुए हैं क्योंकि जो इनका हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस है तो वहाँ पर जो नेट प्रीमियम कलेक्शन है वो थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर 17% पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में बड़ा है और ये नंबर आया है 2,349 करोड़ पे। तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 10% से बड़ा है और ये नंबर आया है 17,586 करोड़ पे। तो देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू ग्रोथ के नंबर अच्छे हैं और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे 12% से बढ़कर 2,349 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने बजाज फिनसर्व ने कमाया है। तो देखिए, जो बजाज फाइनेंस के नंबर थे तो वहाँ पर तो कोई इश्यूज हमें देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन जो इनका हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस है तो वहाँ पर जो क्लेम्स अभी ज़्यादा हुए हैं तो उसकी वजह से वहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा है। और ये जो क्वार्टर रहने वाला है, पर्टिकुलरली जनवरी से मार्च वाला, तो यहाँ पर भी ये इम्पैक्ट पड़ने वाला है क्योंकि अभी अगर हम देखेंगे तो जिस तरीके से केसेस रैपिडली बढ़े हैं तो यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस के जो क्लेम्स है वो भी बढ़ेंगे और जो लाइफ इंश्योरेंस के क्लेम्स है वो भी हमें यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो इसीलिए एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हमें यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिल सकता है। तो देखिए, यहाँ पे 3% ये स्टॉक अभी ऊपर है, लगभग 500 रुपये ये स्टॉक अभी नीचे ट्रेड कर रहा है। वैसे ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो निफ्टी 50 भी अभी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो उसमें कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा मार्केट ये जो रिजल्ट है इसको देख के डिसअपॉइंट हुआ है। तो अगर आपने ये इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मेरे ख्याल से अवॉइड करना सही रहेगा। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि बजाज फिनसर्व के Q3 के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।